हमारी आज की कहानी एक मध्यम वर्गीय पिता और उनकी 8 साल की प्यारी सी बेटी की है। पिता अपनी बेटी से बेहद प्यार करते थे। एक बार की बात है, बेटी अपने दोस्त के लिए जन्मदिन का तोहफा सजा रही थी। जिस चमकीले रंगीन कागज से वो तोहफा सजा रही थी वो कुछ कम पड़ गया। बच्ची को कुछ समझ नहीं आया और उसने पूरे रंगीन कागज को मरोड़ कर कूड़ेदान में डाल दिया। पिता ने जब यह देखा तो गुस्से में आकर उन्होंने उसे सजा के तौर पर कान पकड़कर एक कोने में खड़ा कर दिया। दूसरे दिन बेटी रंगीन कागज से सजे हुए तोहफे को लिए पिता के पास पहुंची और उनकी ओर देखते हुए बोली, पिताजी ये तोहफा आपके लिए है। पिता तोहफा देख चौके और सोचने लगे, अरे कल ही तो मैंने अपनी बेटी को उसकी गलती के लिए सजा दी थी और आज ये तोहफा ले आए। मुस्कुराते हुए पिता ने तोहफा खोला पर खाली डब्बा देख उनके गुस्से का पारा फिर चढ़ गया और वो चीखते हुए बोले, क्या तुम्हें इतना भी नहीं पता कि जब किसी को तोहफा दिया जाता है तो डब्बा खाली नहीं होता, उसके अंदर तोहफा भी होता है। पिता की बात सुन बच्चे दुखी हो गए और वो पिताजी से बोली, पिताजी ये खाली नहीं है, मैंने इस डब्बे में ढेर सारी किस भर दी है और ये सारी की सारी सिर्फ और सिर्फ आपके लिए है। बेटी की बात सुनते ही पिता की आंखें नम हो गईं। उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ और उन्होंने अपनी प्यारी बेटी से माफी मांग ली। इस बात को कुछ ही दिन बीते थे कि एक सुबह जब बेटी सड़क पार कर रही थी तो एक गाड़ी ने उसे बुरी तरीके से घायल कर दिया और इस हादसे में उसकी जान चली गई। पिता के लिए इस हादसे से निकल पाना संभव नहीं था। एक भी दिन ऐसा नहीं बीतता था जब पिता अपनी बेटी को याद कर रोते नहीं। जब पिता बहुत ज़्यादा मायूस हो जाते और अकेलापन महसूस करते तो अपनी बेटी द्वारा दिए गए अनगिनत किस्से से भरे डब्बे को अपने हाथों में उठा लेते और इस डब्बे में से एक किस निकालकर अपनी बेटी के अनमोल प्यार को महसूस कर लेते और ये करते हुए उनके चेहरे पर कुछ समय के लिए ही सही मुस्कान लौट आती जो उनके जीने का जरिया बन जाती। ये कहानी हमें यह सिखाती है कि अपनों की प्यार की कद्र करनी चाहिए, वरना जब वो हमसे दूर हो जाएंगे तो उन्हें याद करने के अलावा हम कुछ नहीं कर पाएंगे।